अस्सलाम वालेकुम हेलो गाइस मैं हूं गुलजार अहमद मैं हूं सासन मैं मुंबई आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल आपका हमारे चैनल पर स्वागत है वेलकम नमस्ते अगर आप देखना चाहते हैं इसी तरह की ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियो आप हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें यूं ही अपना प्यार दिखाते रहें चलो देखते हैं मेजर गौरव आर्या साहब की वीडियो है पहले देखते हैं वीडियोस के बाद देते हैं अपना रिएक्शन रशिया को थ्रेट तो मानता है लेकिन रशिया को इतना बड़ा थ्रेट नहीं मानता जितना बड़ा चाइना को मानता है। अब ये बड़ी विरोध है चाइना के अच्छे रिश्ते किसके साथ हैं? चाइना के अच्छे रिश्ते ज्यादातर उन देशों के साथ हैं जहां उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर इमरान खान चढ़ गया, क्योंकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ बोल दिया इमरान खान को, भाई जेन्युइनली पाकिस्तानियों से पूछना चाहता हूं बिना दिल में मलाल रखे, यार आपका ना कपड़ा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। और इसके पहले कि मैं आज की ताजा खबर आपको दूं और उसका विश्लेषण करूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है, गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को जोर से एक बार दबा दीजिए। दोस्तों, हुआ ऐसा कि बहुत हाल ही में 24 घंटा पहले अमेरिका ने अपनी नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी वो रोल आउट कर दी। ये नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी है क्या? पहले नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के बारे में हम बात कर चुके हैं हफ्ता 10 दिन पहले, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी क्या है ये लॉयड ऑस्टिन साहब हैं डिफेंस सेक्रेटरी अमेरिका के, उन्होंने अनाउंस करा और अनाउंस करके उन्होंने दो तीन चीजें बताई। मैं आपको इसके पॉइंट्स बताता हूं और फिर मैं आपको बताऊंगा भारत इसमें कहां से आ रहा है और भारत के लिए क्या खतरे हैं, क्या अच्छी चीजें हैं, इसका भी विश्लेषण हो जाए। क्योंकि अगर वो ज्यादातर दुनिया भर की बात करेंगे हो सकता है आपको इंटरेस्ट तो होगा लेकिन शायद इतना इंटरेस्ट ना हो, बिकॉज यू विल वॉन्ट मी टू कम टू द पॉइंट एंड आई विल कम टू द पॉइंट। तो दोस्तों, ये पेंटागन में लॉयड ऑस्टिन हैं सेक्रेटरी डिफेंस, सेक्रेटरी जैसे वहां पे फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और भी जो मिनिस्टर्स होते हैं तो वहां पे उनको सेक्रेटरी बोलते हैं, हमारे यहाँ जिनको मिनिस्टर बोलते हैं। तो लॉयड ऑस्टिन हैं अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर। तो लॉयड ऑस्टिन ने नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी रोल आउट करी और शायद पहली बार ये दो तीन पॉलिसीज एक साथ डवटेल होकर एक साथ निकली हैं। तो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जो पहले जो बाइडन ने रिलीज करी थी और जो बाइडन के सामने उसका विश्लेषण पूरी दुनिया के सामने पेश करा गया कुछ ही दिन पहले, अब ये उसका एक सबसेट है। तो ऐसा हुआ है कि न्यूक्लियर पॉस्चर रिव्यू, कि अमेरिका का न्यूक्लियर पॉस्चर क्या होगा, अगर न्यूक्लियर युद्ध होता है, एटमी युद्ध होता है, उसमें अमेरिका क्या करेगा, अमेरिका का पॉस्चर क्या होना चाहिए। तो इसमें कई सारी चीजें हैं, काफी सोफिस्टिकेटेड और कॉम्प्लिकेटेड ये डॉक्यूमेंट है, तो वो भी एक साथ रोल आउट हुआ। और दूसरी चीज जो रोल आउट हुई है वो है मिसाइल डिफेंस रिव्यू, यानी कि मिसाइल की पोजीशनिंग। अमेरिका नेटो का हिस्सा है, रशिया का थ्रेट है, चाइना का थ्रेट है, दुनिया भर के थ्रेट्स हैं, तो उनका मिसाइल पॉस्चर क्या रहेगा इसके बारे में। तो ये जो पूरी चीज है नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी उसके ताजी तक ये रोल आउट करी, साथ साथ पहले नहीं हुआ था, मेरी याद में ये पहली बार हो रहा है जहां तक मुझे याद है, हो सकता है पहले कभी, जब से मैं फॉलो कर रहा हूं तब से तो मैं पहली बार इसको देख रहा हूं। खैर, उन्होंने दो चार बातें करी। पहले तो यूएस और रशिया की जो रिलेशनशिप है, रशिया से जो थ्रेट मानता है यूएस, देखिए रशिया को थ्रेट तो मानता है लेकिन रशिया को इतना बड़ा थ्रेट नहीं मानता जितना बड़ा चाइना को मानता है। अब यह बड़ी विरोधाभास वाली चीज हो गई, क्योंकि रशिया एक्चुअली लड़ाई लड़ रहा है यूक्रेन में, रशिया पूरे नेटो को आंखें दिखा रहा है, रशिया ने हल्का सा हिंट भी दे दिया न्यूक्लियर वॉर का, एटॉमिक वॉर का, रशिया के पास उतने हथियार भी हैं कि वो अमेरिका से, देखिए जीत तो नहीं पाएगा लेकिन फिर भी अमेरिका के दांत खट्टे करने की सलाहियत रशिया रखता है, चाइना नहीं रखता। चाइना इकोनॉमिक सुपर पावर है, अभी मिलिट्री सुपर पावर चाइना बना नहीं, हो सकता है 10-15 साल में बन जाए, आज की तारीख में नहीं है चाइना। ये बहुत बड़ी चीज है जिसके बारे में इन्होंने डिस्कशन करा, इसके बारे में डिबेट करा, फिर ये पॉलिसी इन्होंने अपनी निकाली है कि द नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी अंडरस्टैंड्स द थ्रेट फ्रॉम रशिया टू द यूएस। रूस का एक अनसेटलिंग वाला थ्रेट है और इसमें लिखा है एनकम्पैसिंग द इमीडिएसी ऑफ द थ्रेट एंड टारगेटेड नेचर ऑफ द करंट ऑपरेशनल एनवायरनमेंट, द डिस्टिंक्शन फ्रॉम पेसिंग एंड स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन थ्रेट पोज्ड बाय द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। देखिए, एक तरफ वो बात कर रहा है चाइना की और एक तरफ बात कर रहा है वो रशिया की, क्योंकि इन दोनों में बहुत एक कॉन्टैक्ट है, बहुत जुड़त है इन दोनों में,
और कहीं ना कहीं रशिया के सपोर्ट में चाइना खड़ा हुआ है और वहां पे कॉन्फिडेंस आता है क्योंकि रशिया लार्जली आइसोलेटेड है। इंडिया भी जो है, जो अभी हाल ही में तारीफ करी पुतिन साहब ने मोदी जी की और ये बोला कि बड़े पेट्रियाटिक हैं और बहुत अच्छे हैं और दबाव में नहीं आए, देखिए फिर भी इंडिया न्यूट्रल रहा। इंडिया ने ये नहीं बोला कि रूस हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, अमेरिका हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। इंडिया ने बोला नहीं, इंडिया जो है इंडिया के साथ खड़ा हुआ है, रूस हमारा दोस्त है, हम रूस को सपोर्ट करते हैं, लेकिन लड़ाई के बारे में पुतिन के मुंह पे बोल दिया मोदी जी ने कि भाई ये चलेगा नहीं, तुम्हारी लड़ाइयाँ चलेंगी नहीं, एससीओ समिट में बोल दिया। पीपल आर वेरी शॉक्ड। तो फिर वही शिकागो ट्रिब्यून और वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल आने लगे। तो ये इसका एक ब्रीफ बैकग्राउंड है दोस्तों। अब इसमें बात करी गई है चाइना के बारे में, और चाइना के बारे में जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी थी जो पहले डिफाइन करी थी, उसमें भी यही कहा गया था कि साहब अगर कोई देश है जो अमेरिका को चैलेंज कर सकता है, जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको चैलेंज कर सकता है, रीशेप कर सकता है, वो चाइना है। चाइना के पास वो इकोनॉमिक, मिलिट्री, डिप्लोमेटिक सलाहियत है, वो कैपेबिलिटी है, और उसके पास वो इन्फ्लुएंस है। अब अमेरिका को डर क्यों लग रहा है चाइना से, या अमेरिका को ये जिसको कहते हैं कि अमेरिका क्यों इतना इस मोड में है कि यार चाइना कुछ करेगा, चाइना, क्योंकि देखिए चाइना के अच्छे रिश्ते जो हैं, आप कभी भी देख लीजिएगा चाइना के अच्छे रिश्ते किसके साथ हैं। चाइना के अच्छे रिश्ते ज्यादातर उन देशों के साथ हैं जहां पे डेमोक्रेसी या लोकतंत्र नहीं है, जैसे कि पाकिस्तान, जैसे कि नॉर्थ कोरिया। ठीक है, पैसे उसने अमेरिका में भी लगाए हैं, अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड्स भी उसने खूब उठाए ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के, ये सब अलग बात है, लेकिन जो अच्छे दोस्ताना रिश्ते होते हैं वो किसके साथ हैं, वो ऐसे ही जो आलतू फालतू के लोग हैं उनके साथ हैं, क्योंकि एक जैसे हैं सब, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, चोर चोर मोसेरे भाई। तो होता यह है कि चाइना को लगता है कि पाकिस्तान को हम पाकिस्तानी मिलिट्री की कान ऐंठा थोड़ा सा तो काम हो गया। अब डेमोक्रेसी में ऐसा तो हो नहीं सकता है ना, डेमोक्रेसी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो बट चाइना इसी तरीके के जो मुल्क हैं, छोटे हैं, करप्ट हैं, पॉलिटिकली अनस्टेबल हैं, उनको निगलने की कोशिश करता है, बाइट साइज्ड पीसेस जो मुंह में डाल के चबा के निगल जाए। तो ये खतरा है जो यूएस बात कर रहा है चाइना की, चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करेगा पैसे का इस्तेमाल करके, उसको किस तरीके से काउंटर करना है। फिर देखिए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, इनके बीच में बात करी इंटीग्रेटेड डेटरेंस, यानी कि देखिए एक्चुअली क्या होता है कि हमारे यहां भी यही प्रॉब्लम है भारत में, और हर एक मुल्क में प्रॉब्लम होती है। और क्या प्रॉब्लम होती है, एक डिपार्टमेंट है, दूसरा डिपार्टमेंट है, तीसरा डिपार्टमेंट है, सब लोग एक ही किस्म का काम कर रहे हैं, किसी को यह नहीं पता दूसरा क्या कर रहा है, बहुत टफ, एक बहुत बड़ी दिक्कत है। इसीलिए जनरल बिपिन रावत को CDS बनाया गया और बोला कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को आप एक प्लेटफॉर्म में लेकर आइए। जॉइंटनेस की बात जो करी, थिएटर कमांड्स की बात करी, वो बात यही थी इसेंशियली जॉइंटनेस की, राइट। अभी जनरल अनिल चौहान है, ही इज दी CDS, अब वो आगे बढ़ा रहे हैं उस चीज को, और सरकार यही चाहती है, ठीक है, जॉइंटनेस। क्योंकि क्या होता है कि वो लड़ाई के वक्त, लड़ाई के दौरान, या कोई भी डोमेस्टिक रिस्पॉन्स हो, इंटरनेशनल रिस्पॉन्स हो, जब तक आप में एका नहीं होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में एका नहीं है, मैं ये बात बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि और एका की जरूरत है, और जुड़त की जरूरत है। अभी भी अच्छा कोऑपरेशन है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन और ज्यादा कोऑपरेशन चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई है, क्योंकि इंटरनेट आ गया है, क्योंकि लड़ाई लड़ने के तरीके बिल्कुल बदल गए हैं। तो जो कोऑपरेशन है वो जबरदस्त है, लेकिन और ज्यादा अच्छा कोऑपरेशन चाहिए। तो यही उन्होंने एक बात ये कह दी। तो दोस्तों ये चार लेवल की जो प्रायोरिटीज थी, 4, 1, 2, 3, 4, ये क्या है, ठीक है, अगर आप थोड़ा सा चाइना, रशिया, इन सबको दूर रखें तो मैं आपको नटशेल में बताता हूं। नंबर 1, डिफेंडिंग द होमलैंड पेस टू द ग्रोइंग मल्टी डोमेन थ्रेट पोज बाय पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, चाइना को थ्रेट बताया है, पहली चीज। दूसरी चीज, डेटरिंग स्ट्रेटेजिक अटैक्स अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट एलाइज एंड पार्टनर्स, एलाइज कौन है, एलाइज कौन, ये वर्ड आप ध्यान रखिएगा, उसके बाद मैं भारत पे आऊंगा। ये नेटो में बड़ा चक्कर चलता है, ये जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी है, ये वेस्टर्न कंट्रीज का है, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 ये बनाया गया, और इसको एक आर्म्ड, जिसको कह सकते हैं एक आर्म्ड मिलिट्री ग्रुप है ये, तो इसको बताया गया तो कि एक पे हमला सब पे हमला, एक पे हमला सब पे हमला, इसीलिए रशिया को सांप सूंघ गया। रशिया नहीं चाहता है कि यूक्रेन नेटो में, नेटो का हिस्सा बने, क्योंकि अगर अभी नेटो का हिस्सा यूक्रेन होता और रशिया अटैक करता तो ये सारे के सारे मिलकर रशिया पे चढ़ दौड़ते।
और यही रशिया प्रीएम्प्ट करना चाहता था, तो उसने बोला यार नेटो शेटो के चक्कर में मत पड़ो तुम, नेटो का, क्योंकि नेटो आ जाएगा तो फिर यूक्रेन, तो यूक्रेन एक जमाने में रशिया का ही तो हिस्सा था, रशिया से तो अलग हुआ है यूक्रेन, तो अब रशिया नहीं चाहता कि जहां पे उसका इन्फ्लुएंस है वहां पे नेटो का इन्फ्लुएंस आ जाए, तो एक तो ये बात है। तीसरी चीज है डिटरिंग अग्रेशन वाइल बीइंग प्रिपेयर्ड टू प्रिवेल इन कॉन्फ्लिक्ट व्हेन नेसेसरी प्रायोरिटाइजिंग द पीआरसी चैलेंज, यानी कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का जो चैलेंज है इन द इंडो पैसिफिक रीजन, देन द रशिया चैलेंज इन यूरोप एंड बिल्डिंग अ रेजिलिएंट जॉइंट फोर्स। तो इसमें ग्रे जोन के बारे में बात करी, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात करी है इन लोगों ने, ये तो मैंने आपको चार ऐसी जो पॉइंट थे, बड़ी इंटरेस्टिंग बात दोस्तों ये करी है कि नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स हैं, जरूरी नहीं है कि गोला बारूद बम पटाखा रॉकेट सबमरीन एयरक्राफ्ट कैरियर मिसाइल यही हो सब, नहीं, जिस तरीके से चाइना टेक्नोलॉजी चोरी कर रहा है, ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है चाइना ने चोरी कर रखा है, चाइना का थोड़ा ना था खुद ये, चाइना कभी रूस से चोरी करता है, कभी अमेरिका से चोरी करता है, रूस से उससे अच्छे तालुकात हैं उसके, लेकिन ये सब चोरी वोरी करके इसने एक प्लेटफॉर्म बना दिया चाइना ने, मीडिया के थ्रू बोला नहीं है, ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं, मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करना, किसी भी तरीके से इसको एक ऐसे मकाम पे लाना, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लाना, एक ऐसी पोजीशन पे लाना जहां पे ये नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी क्या होती है दोस्तों, आप ध्यान से सुनिएगा, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी ये होती है कि जैसे कि फूड सिक्योरिटी होती है, जिस देश में खाने के लिए नहीं होगा वहां पे लोग एक दूसरे के ऊपर झपटेंगे, पाकिस्तान में यही हो रहा है, जहां पे वाटर सिक्योरिटी है जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी की हम बात करते हैं, पाकिस्तान में बड़ी हाई तौबा, या तो पानी पीने के लिए नहीं होता, इतना पानी होता है कि मुल्क डूब जाता है, वाटर एनर्जी सिक्योरिटी, अगेन पाकिस्तान का एग्जांपल दूंगा, एनर्जी है ही, वहां पे फैक्ट्रियां बंद पड़ी क्योंकि बिजली नहीं है वहां पे, तो ये सब चीजें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, उसकी तरफ भी इशारा करा है, नॉट इन सो मेनी वर्ड्स, उन्होंने एग्जैक्टली ये सब चीजें नहीं बोली लेकिन इसका इनडायरेक्टली जिक्र हुआ है, ग्रे जोन में ये सब चीजें आ जाती है ना, ब्लैक ना व्हाइट, ग्रे जोन। अब दोस्तों हम असली बात पे आते हैं कि भारत की क्या बात हुई इसमें। देखिए साहब ऐसा है कि भारत को ये बोला है कि भारत जो है हमारा, ये देखिए एग्जैक्ट वर्ड्स मैं आपको बताता हूं भारत के बारे में, ये मैंने नोट्स बनाए हैं, द डिपार्टमेंट विल एडवांस अ मेजर डिफेंस पार्टनरशिप विद इंडिया टू एनहांस इट्स एबिलिटी टू डेटर पीसीआर यू नो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अग्रेशन एंड इंश्योर फ्री एंड ओपन एक्सेस टू द इंडियन ओशन रीजन। देखिए अमेरिका ये कह रहा है कि हम भारत को सपोर्ट करेंगे, हमारा मेजर डिफेंस पार्टनर है, भारत को हम हथियार सप्लाई करेंगे कि भारत चाइना से ठीक से लड़ सके और निपट सके इंडियन ओशन रीजन में। अब दोस्तों इसमें ना दो तीन चीजें हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी। ये एक लड्डू है जो अमेरिका ने सामने रखा है, इसको खाओगे तो पछताओगे, इसको नहीं खाओगे तो पछताओगे। अक्सर कहते हैं ना शादी एक लड्डू है, खाओगे तो पछताओगे, नहीं खाओगे तो पछताओगे, अमेरिका भी एक लड्डू है, खाओगे पछताओगे। देखिए अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ क्या कहा, पाकिस्तानी को देखकर नियति खराब थी, लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान का इस्तेमाल करा, पाकिस्तान ने अमेरिका का इस्तेमाल करा, और पाकिस्तान ने फिर पैसे लेकर अमेरिका को धोखा दिया, अमेरिका वहां से निकल गया। इसके पीछे बड़ी लंबी कहानी है, दोहा अकॉर्ड्स की है और ये सब कहानियां हैं, और इंडो पैसिफिक की है, ग्लोबल साउथ की कहानी है, वो किसी दिन और दिन सुनाऊंगा, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज अमेरिका अफगानिस्तान। तो जी वीडियो ही खत्म, मेजर साहब ने बड़ी बेहतरीन बातें की, बड़े इंकशाफात किए, बड़े ही गहराई के साथ उनकी बड़ी रिसर्च बहुत है, और ये जो बात कर रहे हैं ना अमेरिका रशिया चाइना, पाकिस्तान तो एक प्लान बी है यूएसए के लिए, सबसे पहला जो इंडिया होगा, अगर इंडिया ना हथे चढ़ा या इंडिया अमेरिका के बीन में ना फंसा तो फिर पाकिस्तान, तो पाकिस्तान तो पहले लेटा हुआ है, पहले लेटा हुआ है, पहले हाजिर है, वो तो कह रहा है इस तरह खड़े जी हुकम ना, पाकिस्तान तो अमेरिका की जेब में है ना, वो तो उसकी तो बात ना करें, वो जिस वक्त निकालेगा कैश कार्ड लगेगा, पाकिस्तान की क्या बात है, पाकिस्तान का कोई मसला नहीं है कि पाकिस्तान का जेब में क्या है, कैश करने की बात नहीं रहा है, जिस वक्त उनको जरूरत पड़ी वो कैश करेंगे, वो कैश करते भी हैं जब भी उनको जरूरत पड़ती है। इंडिया उनके लिए मसला है कि क्योंकि अब इंडिया उनको नहीं मान रहा, और रशिया को जो उनका इतना दरीना और बेहतरीन दोस्त था उनकी उन्होंने नहीं मानी, क्योंकि पुतिन ने कहा था कि आप मेरे मतलब कि ना आप अगर मेरे हक में नहीं ना वोट देते तो आप मेरे खिलाफ भी वोट ना दे दीजिएगा, लेकिन यूएनएससी में बाज कहते अभी भी चांसेस आया कि दोबारा हुई तो इंडिया इंगेस्ट देगा रशिया का, और बाकायदा मोदी साहब ने देखे एससीओ मीटिंग दौरान क्या कहा था, इट्स नॉट एन इरा वॉर, डायरेक्ट उनके अपना पुतिन के सामने बैठ के कहा था
तो ये भी पावर रखता है, और पावर तब होती जब आवाम की पावर साथ हो, तब पावर तब होती जब मुल्क और तरक्की की पावर साथ हो। आपके पास क्या उनसी पावर है? ना आवाम की, ना तरक्की की, ना तरक्की की, कुछ भी नहीं। और जो सबसे बड़ी है ना, मैं अक्सर एक ही वर्ड यूज करता हूँ इंडिया अपना अमेरिका के लिए, चलाक लोमड़ी, इतने चलाक इसी है ना। तो मैं ये बात करना चाहूंगा जो मेजर साहब ने बात की है कि अमेरिका चाहता है कि जो इंडिया है वो हमारा साथ दे और रशिया पर हम हमला करें। रशिया ने ये तासुर दिया है ना कि हम पर खतरा हुआ तो हम आठवीं ताकत आठवीं जंग की तरफ जा सकते हैं, और भी पूरे वर्ल्ड को खतरा है, अमेरिका को भी खतरा है, इसलिए उन्होंने अपना एटमी प्लान बनाया है। और वो ही बता रहे थे मेजर साहब इस वीडियो में बात कर रहे थे, तो जो जिस तरह भाई इंडिया इंडिया तो एक भाई न्यूट्रल रहने, इंडिया की पांचों घी में है भाई, इंडिया का न्यूट्रल रहने का आज आज कह सकते हैं कि वक्त इंडिया का चल रहे ये हवा चल भाई, मोड़ ऐसा आ चुका है ना पूरे वर्ल्ड में, वो है ना जो रशिया भी उसका साथ दे रहा है, अमेरिका भी इंडिया का साथ दे रहा है, तो उनका वक्त चल रहा है पूरे खत्ते में, इस पूरे वर्ल्ड में जो अहमियत का अमल है ना वो इंडिया है। जिस तरह भी वो जाएगा ना वो एक स्ट्रॉन्ग कंट्री होगी, वो एक हवा उस तरह भी चलेगी। तो मैं कहता हूँ इंडिया के लिए बेस्ट लक के भाई आज आपका सिक्का चल रहा है, सिक्का चल रहा है, सिक्का चल रहा है, मुझसे बात जो भी वो बोले, इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतने बड़े बड़े भाई जो भी अल्फाज वो मोदी साहब सुनी, राजनाथ ने कहा क्या, कोई वजीर दाखिला है, कोई वजीर दिफा है, कोई वजीर खारजा है, वो ऐसे बड़े बड़े दावे नहीं कर सकता किसी कंट्री का भाई, ऐसे तो नहीं राजनाथ भाई, वो स्ट्रांग होंगे तो बोलेंगे भाई, ऐसे तो नहीं बोला राजनाथ सिंह, बल्तिस्तान का हिस्सा भी नहीं, वो स्ट्रांग है भाई, भाई वो पूरे वर्ल्ड में उसकी लॉबी स्ट्रांग है, उसकी मानी जाती है, अमेरिका को वो चाहेगा। मेरी तो बात सुने, आज मैं ये हकीकत बता रहा हूँ, अवाम जो है आजाद कश्मीर की थोड़ी सी भी बोल चुके बोली ना कि हम इंडिया की तरफ जाएंगे, थोड़े इत्तेजाद हुए गिलगित बल्तिस्तान में, तो उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग लॉबी है अमेरिका में कि वो ये करा लेंगे, तो असल में क्या करेगा? बात ये नहीं, इसके बाद जो उधर हो जाता है पाकिस्तान फिर एटमी ताकत करेगा, एटमी ताकत करेगा वो लेके बैठा रहेगा, बाबा पाकिस्तान करेगा, बाबा जी का घंटा करेगा, और क्या करना पाकिस्तान, पाकिस्तान के पास एक ही है बस, और पाकिस्तान लीडर है सही। मेरी तो बात में जो भी बात हो ना, हम एक एटमी ताकत है बस, एक हम एटमी ताकत है, हमें कोई भी दुनिया भी हमें हाथ नहीं, एक लॉलीपॉप है, ये लॉलीपॉप है, तो दुनिया को डराते भी हैं इससे कि हमें मदद दो, हम एक एटमी ताकत है, नहीं तो हम जंग कर देंगे, हम फेंक देंगे, फेंक देंगे, और चुपचाप जग तो कर लो। वो यार क्या किस किस्म के पक्ष पता नहीं वो चलेगा भी क्या, किस किस्म के सांसद ने पाव पाव के हमारे पास एटम बम, ये हम नहीं सोचते कि हम इंडिया की तरह अपनी इकोनॉमी स्ट्रांग करें, अपने से करप्शन खत्म करें, और एक मुल्क की तरह पूरे वर्ल्ड जैसे तरक्की कर रहा है अपनी तरीन पर जोर दे, हम एटवी ताकत लेकर बैठे हैं, करप्शन किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, कोई भी मुल्क को संवारने वाला नहीं है, सारे खाने और मजेदारी की बात है। और सरे हम बुक कहते हैं ख्वाजा आसफ का, आपने बयान नहीं सुना था टीवी पर, जब ख्वाजा आसफ और शाद खाकान अब्बास दोनों का बयान था, उन्होंने कहा कौन सा मुल्क में करप्शन है, हमने कर ली तो कौन सा, हमने जो सॉरी आम कह रहे हैं तो वो हकीकत ही तो बोल रहे हैं भाई, वो सॉरी आम बोल रहे हैं, कोई गुनाह नहीं किया उन्होंने, गुनाह हर मुल्क में करप्शन होती है, हमने कर ली तो कौन, इन अल्फाज के साथ में खुद मानी है। और उस वक्त कहाँ था DGISI, अच्छा उस वक्त कहाँ था, और जब नवाज शरीफ ने ये कहा कि ये सारा बाजवे का खेल है, उस वक्त DGS कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की, और जिसको निराला सनावला ने बयान दिया था फौज के खिलाफ, उस वक्त DGISI कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की, क्योंकि अब इनको पता है बात हो, और हो रही थी मैं किसी और जब बात मुझे उन, क्योंकि इनको पता है कि अब हमारी 75 ईयर्स के जो बादशाह थे ना वो खत्म होने जा रही, क्योंकि इमरान का फौज रो रही है, अब रो रही है उनकी आंखों में, इसलिए आंसू है, पाकिस्तान का कोई उनका दर्द नहीं है, दर्द नहीं है, उन्होंने बोला है उनके दिल में है कि इमरान खान था, हमारी तो दहशत मुल्क से खत्म हो जाएगा, हमारी तो बादशाह खत्म हो जाएगी, क्लोज द डोर जो बना रहे हैं ना नेटफ्लिक्स पर फिल्म बनाई है अपना अरशद शरीफ शहीद साहब ने, वो उनके खाए जा रही है कि ये हमारे साथ होने क्या वाला है, और इसी वक्त कभी शरे आम किसी ने भी गाली आज तक इतनी दहशत थी पाकिस्तानी अवाम पर बोलता नहीं पहुंचगी कभी, बंद कमरों में हमारे हमारे यहाँ इधर कभी भी दहशत नहीं थी भाई, इलेक्शन में कभी भी एक फौजी आ जाता था ना
हमें दहशत से कांपने लग पड़ते थे कि एक फौजी आया हुआ है, उसके आगे कोई भी नहीं बोलता था, अब सामने भी आए तो गाली निकालते हैं भाई। यार ये सैलाब आया ना तो वो कैंप लगा के बैठे होते थे सड़कों पर, तो यकीन करे जब पास गुजरता तो कोई एहसास कुछ जज्बात नहीं उनके लिए उभरते, यकीन करें। पहले जज्बात जहाँ फौजी मिलता था उसको सलूट करते थे, मिलते थे और ख्वाहिश होती थी इनसे सलाम लिया जाए, तो हमें ये यकीन होता था कि ये सच्चा और ईमानदार आदमी अदारा है तो वो भी करप्शन अदारा, ये शुरू से ईमानदार नहीं था, क्योंकि चार मार्शल आर्ट जब लगे है ना, अगर ईमानदार होता तो कभी पता नहीं आता। और बात कहीं और निकल गई, अगर मैं कंक्लूड करूं जो मेजर साहब ने बातें की हैं, बहुत ही खतरनाक है रशिया, चाइना, अमेरिका, ये भी बड़ी ताकतें हैं, ये अगर भिड़क गए तो दुनिया का कोई भी नामो निशान भी नहीं रहेगा, दुनिया में कोई चीज नहीं रहेगी। और ये सारी आत्मी ताकत एक दूसरे पर हमला करती है ना, तो उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं चाहेंगे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलता है नई वीडियो में सन्नाटा के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।